ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इमा वॉटसन के लीड रोल में बनी ये मूवी एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। इस मूवी का नाम है कॉलोनिया। मूवी की शुरुआत होती है एक देश चिली में और ईयर होता है 1973। एक एयर होस्टेस लीना अपने कैप्टन रोमन के साथ एयरपोर्ट जा रही होती हैं। तभी लीना कार के बाहर देखती हैं कि कुछ लोग इस देश में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और मंच पर उसका बॉयफ्रेंड डैनियल कुछ पर्चे फेंक रहा होता है। लीना अपने ग्रुप को कहती है कि वो काफी दिनों से अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली है, इसलिए वो 4 दिन तक अपने बॉयफ्रेंड के पास रहेगी। लीना देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ के प्रेसिडेंट साल्वाडोर को सपोर्ट करता है। डैनियल लीना को देख के बहुत खुश होता है और दोनों घर आ जाते हैं। लीना और डैनियल बहुत दिनों बाद में मिलते हैं, इसलिए साथ में मिलकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। डैनियल एक फोटोग्राफर है जो बहुत अच्छे फोटो लेता है। लीना उसकी कुछ फोटोज देखती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगले 2 दिन तक लीना डैनियल के साथ रहती है और डैनियल के साथ कुछ क्वालिटी मोमेंट स्पेंड करती है। लीना और डैनियल जर्मनी से चिली आए थे। यहाँ चिली में अभी देश की आर्मी चिली के राष्ट्रपति के खिलाफ हो गई है और पूरा देश 2 गुटों में बट गया है और आए दिन यहाँ पर आर्मी वालों और राष्ट्रपति के सपोर्टर्स के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। एक दिन लीना और डैनियल देखते हैं कि आर्मी वाले राष्ट्रपति के सपोर्टर्स को मार रहे होते हैं, तो डैनियल चुपके से फोटो ले लेता है, तो आर्मी वाले उसको देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। डैनियल और लीना को दूसरे लोगों के साथ एक ट्रक में भरकर एक ग्राउंड में लाया जाता है जहां पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स खड़े। डैनियल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये राष्ट्रपति साल्वाडोर के पोस्टर्स बनाता है और उनका सपोर्टर है, साथ में ये जर्मन नागरिक भी है। इसके बाद में डैनियल को आर्मी वाले वहाँ एक वैन में बिठाते हैं और उसको वहाँ से कहीं ले जाते हैं। लीना बहुत सैड होती है और उस वैन को ध्यान से देखती है। लीना और बाकी लोगों को आर्मी वाले छोड़ देते हैं। डैनियल को किसी अनजान जगह पर बांधा हुआ दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे सपोर्टर्स कौन है, तुम्हारे साथी कौन है। डैनियल इस पे कहता है कि मैं तो एक जर्मन नागरिक हूँ, तो इस पर सामने खड़ा आर्मी उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है। दूसरी तरफ लीना डैनियल को ढूंढने के लिए डैनियल के दोस्तों के पास जाती है। लीना आर्मी के उस वैन का डिस्क्रिप्शन देती है जिसमें डैनियल को ले जाया गया था, तो एक आदमी बताता है उसे यहाँ से दूर साउथ में एक जगह पे ले जाया गया है। ये जगह बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है और इस जगह का नाम है कॉलोनिया डिग्निडेड, यानी कि द कॉलोनी ऑफ डिग्निटी। लेकिन डैनियल करता है तो लीना बोलती है कि क्या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकती हूँ, तो एम्बेसी वाला बोलता है कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन आज तक जो भी कॉलोनिया गया है वो कभी वापस नहीं आया है। लीना कॉलोनिया जाने से पहले अपने कैप्टन फ्रेंड को एक लेटर लिखती है और बताती है कि सॉरी मैं 4 दिनों में काम पे वापस नहीं आ पाऊंगी, शायद 1 वीक बाद में मैं वापस आ पाऊँ। लीना कॉलोनिया जाने के लिए अपने आप को थोड़े सिंपल कपड़ों में ड्रेसअप करती है और वहाँ से कॉलोनिया जाने के लिए बस पकड़ती है। बस ड्राइवर लीना को बताता है कि खेतों को पार करके माउंटेन के पास जाओगी तो तुम्हें कॉलोनिया अपने आप दिख जाएगा। लीना बस से उतरती है और खेतों को पार करते हुए जब वो जंगल की तरफ पहाड़ों में जाती है, लीना जब पहाड़ों को क्रॉस करती है तो जंगल का एक खास एरिया तारों से घिरा हुआ था। थोड़ा आगे चलने पर लीना को एक गेट दिखता है जिस पर लिखा था कॉलोनिया डिग्निडेड। लीना नॉक करती है तो एक लेडी कहती है गॉड ब्लेस, क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो। लीना कहती है गॉड ब्लेस, हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर वो लेडी लीना को अंदर ले जाती है। अंदर जाते हुए लीना देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते पिंजरों में बंधे हुए होते हैं, जो लीना को बहुत अजीब लगता है। अंदर जाने पर वो लेडी लीना का पासपोर्ट रख लेती है और पॉल के पास जाने का इशारा करती है। ऑर्गेनाइजेशन का ओनर और लीडर पॉल लीना को चेयर पे बैठने के लिए कहता है। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में पॉल पूछता है तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लीना कहती है नहीं, मैं गॉड का रास्ता फॉलो करती हूँ। पॉल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे अंदर झूठ बोलने वाला शैतान छुपा है, तुम अपना एप्रन उतारो। लीना खड़ी होकर चुपचाप अपना एप्रन उतार देती है। पॉल कहता है शर्ट भी उतारो। लीना शर्ट उतारने लगती है तो पॉल उसको टकटकी लगा के देखता है। लीना शर्ट को पूरा खोल देती है तो पॉल खड़ा होकर लीना को स्मेल करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम अपने आप को टच करती हो। तो लीना बोलती है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ। ये सुन के पॉल लीना को गले लगा लेता है। लीना
की तबीयत खराब हो जाती है उसको कॉलोनिया के हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके ब्रेन का कॉर्टेक्स पार्ट शायद डैमेज हो गया है और शायद ये पागल। अगले दिन डैनियल को एक लोहे के कारखाने में लाया जाता है और एक सिंपल काम दिया जाता है। डैनियल यहाँ पे पागल होने की एक्टिंग करता है, दूसरों की नज़र से बचने के लिए वो लोगों के सामने पागल होने की एक्टिंग करता है। जब डैनियल लोहे के कारखाने में अकेला होता है तो वहाँ पड़ी एक चाबी से एक दरवाजा खोलता है जिसमें वो एक कैमरा और कुछ फोटोज रखे हुए थे। डैनियल को समझ में आता है कि एक फोटो लैब है। उसी रात गिसेला डोरा नाम की एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ में ले जाती है तो लीना उसके पीछे जाती है। लीना खिड़की से देखती है कि एक हॉल में डोरा को सब आदमियों के सामने बिठाया गया होता है और वहाँ पर पॉल भी खड़ा होता है। उन्हीं आदमियों में लीना अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को भी देखती है। लीना को पता चलता है कि डोरा को किसी लड़के डिटर से शादी करनी थी और ये बात पॉल को पता चल जाती है तो पॉल उसको पनिश करने के लिए यहाँ पे लाया होता है। पॉल उसके ही बॉयफ्रेंड डिटर को बुला के डोरा को थप्पड़ मारने को कहता है। डिटर उसको थप्पड़ मारता है और पॉल डोरा को और पनिश करने के लिए सब लोगों को उठकर डोरा को थप्पड़ मारने के लिए बोलता है और सब लोग उठ के डोरा को मारने लगते हैं। तभी एक आदमी खिड़की पर खड़ी लीना को देख लेता है तो लीना वहाँ से भाग जाती है। पॉल लड़कियों के रूम में आता है और वहाँ वो किसी को नहीं ढूंढ पाता क्योंकि वहाँ पर सब सही होता है। वो गिसेला की गलती समझ के गिसेला को बहुत मारता है। अगले दिन उसी हॉल में सब आदमियों के सामने लीना को बुलाया जाता है। फिर पॉल लीना के पास आकर कहता है कि तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं है, पवित्र करने के लिए क्या तुम्हें सबके सामने नंगा कर दिया जाए, और पॉल लीना को जोर से थप्पड़ मारता है। दूसरी तरफ डैनियल कारखाने से एक टॉर्च चुरा के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। बाहर जाते समय डैनियल को बिजली के तारों से एक झटका लगता है और कॉलोनिया का सायरन बजने लगता है। तो इधर हॉल में जो सब लोग लीना को मारने उतरने वाले थे वो सायरन सुन के भागने वाले को पकड़ने दौड़ते हैं। उस दिन कॉलोनिया में कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला था और सब लोग अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर परेड होने वाली थी। परेड में लेडीज और जेंट्स दोनों शामिल होते हैं तो लीना वहाँ पर डैनियल को ढूंढने लगती है और लीना को डैनियल दिखता है। लेकिन डैनियल पागल की एक्टिंग कर रहा था। परेड के टाइम पे लीना डैनियल के पास जाती है तो डैनियल लीना का हाथ पकड़ लेता है। लीना डैनियल को कहती है कि आज रात को मुझे आलू के गोदाम में मिलना, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, और अपनी फोटो वाला क्रॉस डैनियल को दे देती है। परेड जब वो आर्मी का ऑफिसर पॉइजन गैस के टेस्ट की बात करता है तो पॉल डैनियल की तरफ इशारा करता है कि हम टेस्ट इस पर करेंगे। परेड वाली रात ही डैनियल अपने वार्डन से गार्ड की ड्यूटी लेता है और लीना से आलू के गोदाम में मिलता है, जहां लीना डैनियल को बताती है कि वो उसको लेने के लिए यहां पर आई है और उसने जानबूझकर कॉलोनिया को ज्वाइन किया है। तभी डैनियल अपने पैर के नीचे कुछ खोखला महसूस करता है। घास हटाने पर उसे वहां पे एक टनल मिलता है। टनल में डैनियल को ढूंढने पर वही रूम मिलता है जहां पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे। डैनियल गुस्से से इलेक्ट्रिक मशीन को ही तोड़ देता है। अगले दिन डैनियल का मेडिकल टेस्ट होता है क्योंकि आर्मी का लीडर उस पे पॉइजन गैस का टेस्ट करवाने वाला होता है, इसलिए उसकी ब्लड रिपोर्ट मंगवाई जाती है। जब डैनियल वहां से जाता है तो उसका क्रॉस वही गिर जाता है जो एक नर्स उर्सेल को मिलता है और उसे पता चलता है कि डैनियल को लेने के लिए लीना यहां पे आई हुई है। अगले दिन डैनियल फिर लीना से आलू के गोदाम में मिलता है। डैनियल लीना को बताता है कि नीचे बहुत सारे टनल्स हैं जो किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही टनल ऐसा है जिसमें एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ है और मुझे लगता है कि वही टनल ऐसा है जिससे कॉलोनिया से बाहर जाया जा सकता है। डैनियल बताता है कि इस टनल से एक रास्ता लोहे के कारखाने में भी जाता है, जहां से डैनियल ने कैमरा उठाकर टनल की और टॉर्चर रूम की कुछ तस्वीरें ले ली थी और वो तस्वीरें लीना को बताता है। तभी गिसेला के आने की आवाज आती है। डैनियल टनल के अंदर चला जाता है लेकिन एक फोटो वहीं गिर जाता है तो लीना फोटो के ऊपर बाल्टी रख देती है। गिसेला एक नर्स उर्सेल के साथ आती है। उर्सेल कहती है कि आलू छीलने के लिए मैं चाकू भूल गई हूँ, तो गिसेला चाकू लेने के लिए जाती है। फिर उर्सेल लीना को कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, लेकिन फिर भी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लीना उर्सेल के क्लोज हो जाती है। उसी समय गिसेला आती है और बाल्टी उठाती है तो उसे वो फोटो दिख जाता है।
फिर पॉल लीना को कुत्तों से डरा कर पूछता है कि ये फोटो कहाँ से आई है। तो लीना कहती है कि फोटो मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे डैनियल आता है और पॉल को कहता है कि मुझे पता है कि ये फोटो कहाँ से आई है। डैनियल पॉल को लोहे के कारखाने में ले जाता है और फोटो लैब में दिखाता है कि यहाँ पर बहुत सारी फोटो पड़ी है। कारखाने में फोटो लैब देखकर पॉल कारखाने के वार्डन पर डाउट करता है और लीना और डैनियल को छोड़ देता है। लीना घिसेला के साथ बेडरूम की तरफ जाती है। रात का समय होता है तो लीना देखती है कि गार्ड की ड्यूटी कर रहा डैनियल लीना को कुछ इशारा करता है और लीना घिसेला से पीछे चलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद में घिसेला देखती है कि लीना उसके पीछे नहीं चल रही है तो लीना को ढूंढने के लिए वापस जाती है। तो लीना आती हुई घिसेला पर डंडे से एकदम से वार करती है और घिसेला गिर जाती है। लीना दौड़कर पॉल के पास जाती है और पॉल और लीना दोनों आलू के गोदाम की तरफ भागने लगते हैं। इनको भागते देख के कॉलोनिया के सायरन बजने लग जाते हैं और लोग इनको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। लीना और डैनियल जब आलू के गोदाम में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि नर्स उर्सेल जो कि प्रेग्नेंट थी आलू छील रही थी। लीना उसको भी साथ में ले जाती है और वो टनल में एंट्री करते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोहे के गेट पे पहुंचते हैं। उर्सेल अपने साथ आलू छीलने वाले चाकू से लोहे के गेट को काटती है और टनल में आगे बढ़ जाते हैं। पीछे हम देखते हैं कि पॉल डैनियल के बेडरूम में आता है और उसके गद्दे से बहुत सारी टैबलेट्स बाहर निकालता है जो डैनियल ने कभी नहीं ली थी। दूसरी तरफ डैनियल लीना और उर्सेल टनल पार कर रहे होते हैं तो टनल के आखिरी एंड पर उनको पानी भरा हुआ मिलता है जिसको वो तैर कर पार करते हैं और टनल से बाहर आ जाते हैं। बाहर जाते समय उर्सेल का पैर एक वायर से टकरा जाता है जिससे वहां लगी स्प्रिंग गन से गोली चलती है जिसकी वजह से उर्सेल की मौत हो जाती है। उर्सेल को वहीं छोड़कर डैनियल और लीना एक ट्रक से लिफ्ट लेते हैं और चिली में जर्मनी की एम्बेसी में जाते हैं। एम्बेसी में पहुंचने के बाद डैनियल अपने द्वारा ली हुई फोटोज को बताता है। तभी वहां पे एक लेडी आती है और पॉल और डैनियल को उनके नए पासपोर्ट देती है और कुछ नए कपड़े देती है, लेकिन वो ये बताती है कि आज की फ्लाइट फुल है इसलिए टिकट तुम्हें नेक्स्ट फ्लाइट यानी कि एक हफ्ते बाद में मिल पाएगा। लीना और डैनियल कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हम एक वीक तक यहाँ नहीं रुक सकते। फिर लीना अपने कैप्टन फ्रेंड रोमन को फोन लगाती है तो रोमन उसको बताता है कि तुम एयरपोर्ट आ जाओ, मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। डैनियल लीना और एक एम्बेसी का सीनियर ऑफिसर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं लेकिन सीनियर ऑफिसर वहाँ पे कार नहीं रुकवाता तो लीना उसको पूछती है तो ऑफिसर बताता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। फिर वो ऑफिसर एक अंडरग्राउंड इंटरेस्ट से एक रूम में ले जाता है और कहता है कि फ्लाइट का टाइम होने पर तुम दोनों को फ्लाइट में बिठा दिया जाएगा, तब तक तुम यहीं पे रहो। उधर लीना का कैप्टन फ्रेंड रोमन दोनों का इंतजार फ्लाइट में कर रहा होता है। दूसरी तरफ लीना ग्लास के विंडो से देखती है कि एयर स्ट्रिप पर पॉल और एम्बेसी का वो सीनियर ऑफिसर हाथ मिला रहा था। लीना और डैनियल वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट बाहर से बंद होता है। तभी वहां पर अपने आदमियों के साथ पॉल आ जाता है लेकिन डैनियल और लीना वहां पे नहीं मिलते हैं क्योंकि वो ग्लास विंडो से कपड़ा बांधकर वहां से भाग चुके होते हैं। पॉल अपने आदमियों के साथ लीना और डैनियल को ढूंढने निकल जाता है। वो डैनियल और लीना को देखते हैं और उनके पीछे भागते हैं। डैनियल और लीना एयर स्ट्रिप पर प्लेन की तरफ दौड़ते हैं और सामान ले जाने वाली कार में बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो प्लेन के पास पहुंचते हैं तो प्लेन का दरवाजा बंद होता है। रोमन लीना को देख लेता है और प्लेन का दरवाजा खुलवाता है और दोनों को प्लेन के अंदर ले लेता है। रोमन प्लेन को उड़ाने को तैयारी होता है कि पॉल एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कॉल करता है और प्लेन रुकवाने के लिए कहता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक ऑफिसर का रोमन को फोन आता है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तुम्हें उड़ान नहीं भरनी है। लीना रोमन के पास आती है और अपनी दोस्ती का वास्ता देती है और कहती है कि अगर हम आज उतर गए नीचे तो हम दोनों को पॉल मार देगा और कहती है कि रोमन तुम कर सकते हो। कैप्टन रोमन सारे रूल को ताक पे रख के एयर स्ट्रिप पे फ्लाइट को स्टार्ट करता है और फ्लाइट वहां से टेक ऑफ कर जाती है और लीना और डैनियल राहत की सांस लेते हैं और जर्मनी पहुंचते हैं। और इस तरह से बहादुर और इंटेलिजेंट एयर होस्टेस लीना ने अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को चिली की एक कुख्यात ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनिया से बाहर निकाल दिया था। और इस तरह ये मूवी एंड होती है।